switch it up like that. So hi guys, this is Nivam back again with the new vlog. So कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों? So आज का vlog कुछ ज़्यादा ही special होने वाला है. आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश की राइड पे. ऋषिकेश के आगे जहाँ जाते हैं वो आगे वाले vlog में बताएंगे. आज हमारे साथ तीन बाइक जा रही है, एक R15, एक बुलेट और एक पल्सर. So निकलते हैं राइड पे, चले गाइस. तो भाई ये हमारा पहला ब्रेक, हम यहाँ रुके हैं चाय वाय पीने. सर्दी से हालत खराब हो चुकी है, किसी ने ग्लव्स नहीं लगी है, किसी को पता नहीं था सर्दी इतनी होने वाली है, इसलिए अब सबकी हालत खराब हो रही है. गंदे भाई साहब, गंदा सीन हो रहा है. एक नंबर भाई साहब, पे आते ही बहुत लिटरली रेड पड़ रहे हैं मेरे. अब कैमरे दिख रहे हो तो कोई नहीं, ये पहला ओल्ट है हमारा. हम लोग तो बिल्कुल ही, मेरे पास वो तब भी है. ये पहला उल्टे यहाँ चाय वाय पीते फिर निकलते हैं यहाँ से. देखो भाई हमारी बाइक, बाइक हमारी क्या चमक मार रही है भाई साहब, रोड पे आग लगा रही है बिल्कुल. सो मिलते हैं अब यहाँ चाय वाय पी के, थोड़ा निकलते हैं फिर यहाँ से भाई साहब. लेकिन ठंड बहुत है, बहुत ठंड है. सो भाई हमारी चाय भी आ चुकी है, सो जल्दी से चाय पीते हैं और निकलते हैं अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं. हमारा दूसरा ओल्ट है, यहाँ रुके हुए हैं. धीरे धीरे जाएंगे भाई साहब, ठंड बहुत हो रही है. तो मॉर्निंग भी हो चुकी है, सनराइज भी हो चुका है. जाओ आपको दिखा दो सनराइज, दो मिनट. सो ये देखो भाई, सनराइज भी हो चुका है, क्या व्यू आ रहा है उसे देखो. सो ये अब भी हम यहाँ खड़े हैं, अभी 106 किलोमीटर रह गया हरिद्वार. सो जल्दी जल्दी थोड़ा यहाँ रेस्ट लेके फिर चलते हैं. सो गाइस जब भी हम यहाँ रुड़की में रुके हैं, भूख लग रही थी, थोड़ा खाना वाना खा ले. फिर रुड़की के बाद अब ज़्यादा दूर नहीं है हरिद्वार, बस पहुँचने ही वाले हैं. तो थोड़ा खा पी के फिर निकलते हैं हरिद्वार के लिए. तो ये हमारा लास्ट हॉल्ट है, बस हम हरिद्वार पहुँच ही गए. अभी हम रुड़की में खाने रुके हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं. सो भाई यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है रुड़की का. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. My shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways.
few moments later. So finally हम लोग होटल पहुंच चुके हैं. ये हमारा रूम. अंदर शिवम भैया बाल सेट कर रहे हैं. सो ये रूम है हमारा. That's good brother, right? So रूम awesome है, कोई दिक्कत नहीं है. सो ऐसे ही ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा. अब थोड़ा रेस्ट कर लें. रेस्ट करने के बाद आपसे आपका भाई फिर मिलता. सो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती देखने. गंगा आरती सबको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे आराम से, फिर मिलते हैं. सो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती देखने. लिटरली बहुत थक चुके थे, अभी उठे हैं. अभी बज रहे हैं शाम के 5:30. सो सीधा गंगा आरती दिखाते हैं, सबको दर्शन कराते हैं. सो ये रही हाड़ की पौड़ी की गली. हाड़ की पौड़ी की गलियाँ है ना. सो भाई यहाँ लिखा हुआ है मुख्य स्थान है आरती का जाने के लिए. तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को भी. सो ये कुछ घाट है भाई साहब. पानी तो बिल्कुल नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है. तो चलते हैं आगे भी देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गंगा आरती देखते हैं, फिर आगे देखते हैं उसकी. सो भाई हम लोग मेन घाट में पहुंच चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. और ये यहाँ गंगा आरती हो रही है. ये लो आप सब भी दर्शन कर लो एक बार. चलो तो थोड़ा और आगे चल के दिखाते हैं. देवी के भी दर्शन कर लो. थोड़ा सा दिख रहा है टेंपल. क्लियर तो नहीं हो रहा बट थोड़ा बहुत दिख रहा है ऊपर से. ऊपर पीछे पूरे पहाड़ हैं अगर आपको दिख रहे हो तो. वो है छोटा सा मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी माता जी का. सो अभी हम लोग सब घाट पहुंच चुके हैं. घाट पे ही खड़े हैं सब. सबको मजा आ रहा है. ऑसम मजा आ रहा है. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. सो आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को. एक बार और देख लो यहाँ. सो अभी यहाँ रुके हम लोग. अभी हमने गंगा नहा लिया और यहाँ हम कुल्लड़ वाली चाय पियेंगे. अभी कुल्लड़ वाली चाय पी के अब सीधा होटल चलते हैं. आइए देखो सनराइज हो चुका है.